Stardust Musical Extravaganza, which is being Stardust launched their entertainment company, and this is the first, the very first concert which they are holding, which is me and Kumar Shanu are performing. हमारे ज़्यादातर मेलोडियस गाने ही हैं और फास्ट नंबर्स भी हैं, सॉफ्ट नंबर्स भी हैं, तो इट विल बी अ मिक्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स. और हम लोग सोच रहे हैं प्रेजेंटेशन में क्या नया करें, हम लोग सोच रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू प्रेजेंट इट इन अ लिटिल डिफरेंट मैनर. ओके, थैंक यू. सब लोग करेंगे अलग. इट्स अ रोमांटिक गाने का शो होगा जो बहुत बहुत हिट है, और काफ़ी दिन बाद हम लंदन में शो करेंगे स्टारडस्ट के साथ. एंड ये हम लोग बहुत एक्साइटेड है इस मामले में. और शो को किस तरह से सक्सेस किया जाता है, हमारा हर शो सक्सेस होता है हम दोनों का, तो ये शो भी सक्सेस होगा, तो उसके लिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा तैयारी नहीं कर रहे. बट हम जानते हैं कि हम वहाँ क्या करेंगे, वो पहले से हम बताएंगे नहीं आपको. बट इतना जानिए कि ऑल रोमांटिक सॉन्ग जो फेमस है वो हम ऑन स्टेज गाएंगे, और हमारा जो सोलोज है, उनका जो सोलोज है प्लस डुएट्स है, वो सब हम स्टेज पे गाएंगे, बहुत मज़ा करेंगे, एंड डेफिनेटली सबको अच्छा लगेगा. देखिए, इसमें हम कोई कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि गाना मैंने सुना ही नहीं. हाँ चलो ओके, क्योंकि गाना मैंने सुना नहीं है, और गाना कब आते हैं, कब चले जाते हैं, कब पिक्चर रिलीज होता है, आई डोंट नो, तो इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा. अगर सलमान जी ने गाया है तो अच्छा किया, गातेंगे, क्योंकि हम लोग सिंगर होके जब एक्टिंग कर सकते हैं तो वो एक्टर होके गाना गा सकते हैं, इसके लिए कोई ये नहीं है, पाबंद नहीं है. अगर वो गा सकते हैं तो गाइए, ऑलवेज वेलकम, लेकिन कैसा गाएंगे ये पब्लिक विचार करेगा, ये तो हमारा ये नहीं है. तो इसमें क्या जानना चाहेंगे आप? सोनू निगम का हटा के, ये हटाने वाली जो बात है ये तो अभी अक्सर चल रहा है. कोई हीरो को हटा के दूसरा हीरो ले लेते हैं, कोई हीरोइन को हटा के दूसरा हीरोइन ले लेते हैं, तो उसके लिए बात होता है. तो ये एक सिंगर को